हाँ तो भाई मैं आज बताऊंगा टैलेंट क्या होता है और किसके पास होता है। भाई तो टैलेंट एक प्रकार का स्किल होता है, कला होती है, एक प्रकार का नॉलेज होता है जो कि सबके पास होता है। जैसे कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप धीमे धीमे पढ़ना करोगे और आपको एक नॉलेज बन जाएगा और ये आपके लिए एक स्किल कला आपके लिए टैलेंट बन जाएगा। जैसे कि आपको दौड़ना पसंद है ये आपके लिए ये क्या हो गया आपके लिए टैलेंट हो गया। जैसे कि आपको जिम करना पसंद है तो ये आपके लिए टैलेंट हो गया। लेकिन खासकर बात मेन ये है कि कुछ लोगों को हमें इंडियन लोगों की खास बात ये है कि पढ़ने वाले बच्चे को ही टैलेंट मानते हैं और इनके पास ही टैलेंट है यूँ मानते हैं। तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। टैलेंट सबके पास होता है, एक हल चलाने वाले के पास भी टैलेंट होता है क्योंकि वो कि इसमें दिमाग इतना इस्तेमाल करता है। बल का प्रयोग कोई भी नहीं करता, सब दिमाग का यूज़ करते हैं। लेकिन इंडियन की लोगों की खास बात है कि पढ़ने वालों को ही इंटेलिजेंट मानते हैं, इनके पास ही टैलेंट है। टैलेंट सबके पास होता है, मैं कहता हूँ हर कोई अपना दिमाग ही यूज़ करता है। हम जिम करते तो भी हम टैलेंट से ही करते हैं, अपने दिमाग से ही जिम करते हैं, पता है कब मसल माइंड से जिम करते हैं, बल के प्रयोग भी नहीं करते। हम दौड़ते तो पैर पर जोर ज़्यादा देते हैं, हाथ पर कम देते हैं, ये की हो गया हमारा टैलेंट हो गया। ये भी सब काम है दिमाग से ही होता है। तो सब टैलेंट है ना सबके पास होता है, इसलिए भाई क्या हो गया हमारा टैलेंट। तो भाई कोई भी ये ना समझे कि टैलेंट सिर्फ पढ़ने वाले के पास ही होता है, टैलेंट सबके पास ही होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।